दोस्तों अगर मैं मीडियाटेक स्नैपड्रैगन में बात करूं तो कई बार लोगों की ऑब्वियस चॉइस स्नैपड्रैगन होती है और स्नैपड्रैगन के फ्लैगशिप में प्रोसेसर्स वाले कितने सारे फोन्स आपको देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग सोचते हैं यार स्नैपड्रैगन यहाँ पे काफी ज्यादा निकल गया। लेकिन अगर मैं रियलिटी बताऊं ना तो मीडियाटेक एक ऐसी कंपनी जो बहुत ही ज्यादा लो प्रोफाइल काम करती है। स्नैपड्रैगन अगर स्मार्टफोन में जाना जाता है ना तो दूसरी ऐसी बहुत सारी जगह जहाँ पे मीडियाटेक ने अपनी कैप्चर कर रखा है, मतलब कि एक दो छोटे छोटे एग्जाम्पल लेने वालों स्मार्टफोन के दुनिया के बाहर के, जिससे आपको पता चले कि मीडियाटेक एग्जैक्टली में कहां पे क्या काम कर रही है। बहुत ही लो प्रोफाइल रह के बहुत आगे निकल रही है। मीडियाटेक यहां पे मोबाइल फोन के अलावा टीवीज के लिए भी प्रोसेसर बनाती है और पूरी दुनिया में 60% जो स्मार्ट टीवीज है ना वो मीडियाटेक के प्रोसेसर पे चलते हैं और ये बहुत ही सही चीज है। मतलब कि इवन सोनी जैसी कंपनी के भी जो टीवीज होते हैं वो मीडियाटेक के चिपसेट के साथ पावर्ड होते हैं और ये बहुत सही चीज है क्योंकि मीडियाटेक ने बहुत सारे प्रोसेसर बहुत सारी चीजें क्रिएट कर रखी है और काफी सारी कंपनी सिर्फ मीडियाटेक के पास इसलिए आती है क्योंकि उनके पास एक ठीक ठाक प्रोसेसर है। और अगर कुछ मीडियाटेक के फ्लैगशिप प्रोसेसर के बारे में बात करें तो वो 4K और 8K रेजोल्यूशन को भी सपोर्ट करते हैं जो कि 4K 8K टीवीज के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट है। और सिर्फ इतनी बात नहीं है, अमेज़न की अलेक्सा आपको याद है जिसके अंदर एको डिवाइसेस आते हैं, उनके अंदर भी आपको जो चिपसेट देखने को मिलता है ना वो भी मीडियाटेक का ही रहता है। यहाँ तक कि वाईफाई राउटर्स आते हैं वो भी सस्ते नहीं, महंगे एडवांस वाईफाई 6, 6E, वाईफाई 7 वाले, उनके अंदर भी मीडियाटेक का ही प्रोसेसर देखने को मिलता है काफी सारे राउटर्स में। यहाँ तक कि जो प्रोजेक्टर्स आते हैं उनके लिए भी मीडियाटेक प्रोसेसर्स बनाता है और जो मार्केट में हम धीरे धीरे एंड्रॉइड वाले प्रोजेक्टर्स पॉपुलर हो रहे हैं ना उनके अंदर भी मीडियाटेक पावर्ड चिपसेट देखने को मिलता है। यहाँ तक कि मेजॉरिटी क्रोमबुक्स के लिए भी उन्होंने एक स्पेशल कॉम्पेनियन नाम की एक सीरीज डेवलप कर रखी है और मेजॉरिटी क्रोमबुक्स में ही आपको देखने को मिलता है, यानी आप देख सकते हैं कि कितने सारे डिवाइसेज है। और ऑफिशियली बात माने तो पूरी दुनिया में 2 बिलियन डिवाइसेज है जो यहाँ पे मीडियाटेक के साथ पावर्ड करते हैं और एक ऐसी जगह उन्होंने यहाँ पे क्रिएट कर रखी है जहाँ पे स्नैपड्रैगन बिल्कुल भी पहुंच नहीं पाया। लेकिन मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि स्नैपड्रैगन ने यहाँ पे बिल्कुल भी कोशिश नहीं करी, स्नैपड्रैगन ने भी दूसरी जगह अपने काफी अच्छे प्रोसेसर निकाले। कुछ एग्जांपल देता हूँ स्नैपड्रैगन के, स्नैपड्रैगन का आपको वीयर प्लेटफॉर्म देखने को मिलता है, ऐसे ही स्नैपड्रैगन ने अपना एक्सटेंडेड रियलिटी XR प्लेटफॉर्म बनाया है, स्मार्ट ग्लासेस VR हेडसेट्स इन सब के लिए, और ऑब्वियसली उसने अपनी 8CX सीरीज भी निकाली है लैपटॉप्स वगैरह की। लेकिन एक बात बताओ प्रॉब्लम क्या है स्नैपड्रैगन के साथ जो मेरे को लगती है कि स्नैपड्रैगन है ना हमेशा जो प्रीमियम सेगमेंट होता है वहां पे खेलता है। अगर मैं स्नैपड्रैगन के बारे में बात करूं तो स्नैपड्रैगन कभी भी अफोर्डेबल सेगमेंट में उतनी अच्छी चिप्स और प्रोसेसर नहीं निकालता। अगर मैं वियर प्लेटफॉर्म के बारे में बात करूं तो कितनी स्मार्ट वॉचेस आती है उसके साथ, वियर ओएस के साथ जितनी भी वॉचेस आती है सबकी सब महंगी और प्रीमियम सेगमेंट में है, बजट मिड रेंज में ऑप्शन ही नहीं आते। इसके साथ ही बात करें अगर 8CX वाले लैपटॉप्स की, कितने लैपटॉप मार्केट में देखने को मिले आपको स्नैपड्रैगन 8CX के, हालांकि अभी उन्होंने स्नैपड्रैगन एक्स एलीट प्रोसेसर निकाला है लेकिन उसके बारे में बात है कि वो कोई सस्ता प्रोसेसर नहीं है। उस प्रोसेसर की अप्रोक्सीमेट कीमत $160 से लेकर $170-$180 तक जाएगी। वो लैपटॉप जब आएंगे उसके तो वो भी सस्ते नहीं होने वाले, वो भी महंगे और प्रीमियम के अंदर होंगे। ऐसी XR प्लेटफॉर्म भी उन्होंने बनाया लेकिन कितने स्मार्ट ग्लासेस आते हैं, मतलब कितने आप लोगों ने देखे जो स्नैपड्रैगन के XR प्लेटफॉर्म पे चले। कहने की बात है कि स्नैपड्रैगन ने भी डाइवर्सिफिकेशन कर रखा है लेकिन उसने अपना जो डाइवर्सिफिकेशन होता है ना सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम सेगमेंट में कर रखा है। और ये बात स्मार्टफोन के प्रोसेसर के लिए भी सही है। अगर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 के बारे में बात करें तो वो एक महंगा प्रोसेसर है और आपको प्रीमियम फोन्स में देखने को मिलेगा। ऊपर से तो स्नैपड्रैगन के साथ ये भी प्रॉब्लम है कि जो 7 सीरीज के प्रोसेसर थे, जहां 5 साल पहले स्नैपड्रैगन 7 सीरीज ₹20,000 के नीचे इसके प्रोसेसर आते थे, आज वही चीज खिसक चुकी है 30,000 तक। ऊपर से बात कर जो बजट प्रोसेसर बनाते हैं तो कई बार लगता है कि उनके अंदर कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, खास तौर पे 5G आने के बाद 5G के चार्जेस वो इतने ज्यादा लेने लगे कि स्मार्टफोन के प्रोसेसर के अंदर दूसरी जगह कॉस्ट कटिंग कर दी। 695 का एग्जांपल है, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग वहां से हटा दिया और ये देख के मीडियाटेक को लगा कि वहां पे हम एक मार्केट कैप्चर कर सकते हैं। इस स्नैपड्रैगन का पूरा फोकस है प्रीमियम के अंदर, प्रीमियम में उनके फोन्स बनते हैं, ठीक है हम भी अपने प्रीमियम में प्रोसेसर्स निकालेंगे। डिमेंसिटी 9300 निकाला, एक पावरफुल प्रोसेसर बनाएंगे जो उनसे कम्पीट करे, 4 कोर होंगे, कॉर्टेक्स X4 के, ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन बिल्कुल ही जबरदस्त होगी। लेकिन मीडियाटेक को भी अच्छे से पता है कि इंडियन मार्केट के अंदर महंगा प्रोसेसर निकाला तो एक दो फोन तो ये लोग निकाल देंगे, जैसे वीवो का X100 आ रहा है, कोई ओप्पो के साथ निकाल देगा, लेकिन फिर भी मेजोरिटी फ्लैगशिप स्नैपड्रैगन को ही पसंद करेगा। सिंपल से रीजन है कि इंडिया में अगर एंड्रॉइड के अंदर कोई फ्लैगशिप ले रहा है ना उसके अंदर वो स्नैपड्रैगन एक्सपेक्ट करेगा। और आज के समय में हालत है कि 50,000 के ऊपर फोन खरीदे तो फर्स्ट प्रायोरिटी डेफिनेटली आईफोन है,
इसलिए मीडियाटेक के लिए वहां भी लड़ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन मीडियाटेक ने एक स्मार्टनेस अब दिखाई है कि अपने आप को बजट, मिड रेंज और अपर मिड रेंज कैटेगरी होती है ना, वहां तक इसे लिमिट कर रखा है। आपको समझाता हूं, सबसे पहले तो पूरी नेमिंग स्कीम को रिफाइन कर दिया। जब पहले डोमेसिटी 700 आता था, 800, 900, 1000 आते थे, पुरानी नेमिंग स्कीम हटा के नई नेमिंग स्कीम लिया। 9000 इनका फ्लैगशिप प्रोसेसर है, लेकिन 8000 वाली सीरीज काफी अच्छी, जो 30000 के सेगमेंट में आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस निकाल कर देंगे और एक अच्छा प्रोसेसर है। डोमेसिटी 7000 सीरीज मेरे को पसंद है, 20 से 25000 रुपए की रेंज में एक काफी अच्छा प्रोसेसर आपको देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर आपको फीचर्स भी मिल गए, परफॉर्मेंस भी मिल गई और मिड रेंज कैटेगरी ये काफी अच्छे तरीके से कवर करता है। और बजट में भी इन्होंने अपने प्रोसेसर्स को यहाँ पे लॉन्च करा है, जिसके अंदर 5G के साथ साथ आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस मिले। हालांकि बस उन्होंने ये किया कि अपने कुछ प्रोसेसर्स को रीब्रांड करके यहाँ पर उतार दिया, अब उसके अंदर एक इम्प्रूवमेंट लाने की जरूरत है। अभी तो चलो रीब्रांडिंग ठीक है, लेकिन फ्यूचर में रीब्रांडिंग से काम चलेगा, अपने प्रोसेसर के अंदर चेंजेस और रिफाइनमेंट लाते रहिए ना, मार्केट में इनको हिला पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और ये एक ऐसी जगह जहाँ पे एग्जैक्टली स्नैपड्रैगन का मार्केट यहाँ पे खा गए, खास तौर पे बजट और मिड रेंज में, क्योंकि अब क्या हो रहा है पता है, स्नैपड्रैगन अपने पुराने प्रोसेसर को कम रेट में बेच रहे हैं, जिस कारण से जो कंपनीज है अब अपने अगर बजट मिड रेंज फोन होता है तो पुराना स्नैपड्रैगन डाल के देती है, और यहाँ पे अगर एक बेटर प्रोसेसर मीडियाटेक वाले क्रिएट कर ले तो उनके पास एक एडवांटेज हो सकता है यहाँ पे कि वो कैसे और ज्यादा बड़ा मार्केट शेयर ले सकते हैं। हालांकि कुछ जगह ऐसी जहाँ पे मीडियाटेक को अभी भी काम करने की जरूरत है, जैसे कि अपडेट्स के अंदर। आमतौर पे स्नैपड्रैगन वाले प्रोसेसर में जल्दी अपडेट आते हैं और कंपनीज के लिए भी अपडेट निकाल पाना जल्दी होता है। आज के समय में मीडियाटेक गूगल के साथ काम कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि वो अपडेट वाले सिनेरियो को भी अच्छे से पकड़े और लंबे समय तक कंपनीज भी मीडियाटेक वाले फोन में सॉफ्टवेयर अपडेट दे पाए। इसके साथ ही इंप्रूवमेंट कर रहे हैं लोग 5G के अंदर, बैटरी लाइफ के अंदर, कैमरास के अंदर, ISP के अंदर, यानी कि यहाँ पर बहुत ज्यादा तेजी से काम हो रहा है। और डेफिनेटली AI के अंदर भी यहाँ पे काम हो रहा है, लेकिन ये देखने वाली बात है कि AI की जो जंग है, जहाँ पे स्नैपड्रैगन अपनी जगह निकाल दी है, तो यहाँ पे मीडियाटेक यहाँ पर क्या करता है। यहाँ तक की कुछ और बातें, जैसे कि क्या आप लोगों को मालूम है कि मीडियाटेक वाले आज के समय में ऑलरेडी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भी प्रोसेसर बना रहे हैं। आज के समय में इंडिया में जो टू व्हीलर्स आते हैं इलेक्ट्रिक वाले, उनके अंदर यहाँ पे डेडिकेटेड प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट है। तो उन्होंने क्या किया कि जो स्नैपड्रैगन के पुराने प्रोसेसर थे उनको यूज किया, क्योंकि डेडिकेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए प्रोसेसर यहाँ पे आते नहीं थे। और मीडियाटेक ने ये बात समझी और अब वो डेवलप कर रहा है, और अगले साल से मीडियाटेक पावर प्रोसेसर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में देखने को मिलेंगे। और सिर्फ यहाँ पे मैं टू व्हीलर की बात नहीं कर रहा, फोर व्हीलर की भी बात कर रहा हूँ। ये एक ऐसा मार्केट जो यहाँ पे मीडियाटेक को समझ में आ गया और ऑलरेडी इसके लिए प्रोसेसर बना रहा है। ये एक काफी बड़ी चीज हो सकती है मीडियाटेक के लिए कि जैसे इलेक्ट्रिक मार्केट राइज करेगा तो वहां पे ऑलरेडी अपनी वो प्रेजेंस यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, मीडियाटेक यहाँ पे आपके AR VR के लिए भी चीजें डेवलप कर रहा है, लेकिन वो चीज जब मेन स्ट्रीम होगी तभी हमें पता चलेगा कैसे काम करती है। और इसके साथ ही जैसे क्वालकॉम ने ARM के डिजाइन के ऊपर डेस्कटॉप लेवल के प्रोसेसर बनाना शुरू कर दिया, अब देखते हैं कि मीडियाटेक यहाँ पे क्या करता है। क्योंकि मीडियाटेक अभी तक देखा तो हाई परफॉर्मेंस में स्मार्टफोन के प्रोसेसर तक लिमिटेड था, लेकिन अगर क्वालकॉम को सक्सेस मिलती है तो डेफिनेटली XLE जैसा प्लेटफॉर्म वो काफी महंगा रहेगा। लेकिन अगर मीडियाटेक अच्छी परफॉर्मेंस कम रेट के अंदर ले आना तो वो भी यहाँ पे मार्केट को बहुत अच्छे तरीके से कैप्चर कर सकता है। हालांकि मैं ये कहूंगा कि अभी भी मीडियाटेक को थोड़ा सा काम करने की जरूरत है, थोड़ा सा काम कर दे, थोड़ा सा रिफाइंड हो जाए, थोड़े और अच्छे प्रोसेसर निकाल दे, एक बहुत जबरदस्त अल्टरनेटिव हो सकता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का। बाय द वे क्या लगता है आप लोग, को ये वाली चीज कमेंट बताओ। थैंक यू, आपको वीडियो देखने के लिए। गुड बाय।